नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमकोच आकाशवाणी के एफएम रिले स्टेशन की सौगात मिली है। प्रसार भारती आकाशवाणी के द्वारा यह सौगात दी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया, साथ ही उनके द्वारा संबोधन भी दिया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। उनके साथ बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिसमें जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, हटा विधायक पीएल तंतवा, जिला पंचायत की अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल के अलावा दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल, दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। 100 बार FM ट्रांसमीटर के माध्यम से लगभग 20 किलोमीटर एरिया में आने वाले लोग इसका लाभ ले सकेंगे। अब FM की सुविधा दमोह में भी होगी और इसके माध्यम से मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश के FM स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रमों का आनंद लोग ले सकेंगे। दमोह के कलाकारों को FM रेडियो स्टेशन में मौका मिल सके, इसके लिए भी विशेष व्यवस्थाओं के लिए स्टूडियो का प्रस्ताव तैयार करने की बात केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा की गई। आइए हम आपको सुनाते हैं देश के प्रधानमंत्री ने क्या संबोधन दिया और केंद्रीय मंत्री ने किस तरह से आभार जताया। इसमें गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जेम से भी उन्हें मदद मिल रही है। साथियों, बीते वर्षों में देश में जो टेक रिवॉल्यूशन हुआ है, उसने रेडियो और विशेषकर FM को भी नए अवतार में गढ़ा है। इंटरनेट के कारण मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं और अनुराग जी को धन्यवाद देता हूं कि दमोह को ये सौगात मिली है। और मैं मानता हूं कि आकाशवाणी कम्युनिकेशन का सबसे सरल और सबसे उत्तम साधन है, अंतिम छोर पर जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए, और हम अपनी बात को सीधे उस तक पहुंचाने में इसके माध्यम से सफल होते हैं। और इस प्रभाव को हमने प्रधानमंत्री की मन की बात में देखा है, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के तौर पर देखा है, आजादी के अमृत महोत्सव को जन तक जन जन तक पहुंचते हुए देखा है। हमारी सांस्कृतिक विरासत की चर्चा अन्य मीडिया के अलावा आकाशवाणी ने हर घर तक पहुंचाई है और इसलिए मैं इसको महत्वपूर्ण केंद्र मानता हूं। एक बात जरूर आप सबकी तरफ से आई है, वो स्टूडियो की बात आई है, तो उसका सीक्रेट प्रपोजल बनेगा, मैं भी उसमें आग्रह करूंगा। दूसरा एक सुझाव आया है, उसमें ये कहा गया है कि हम अगर कोई चीज भेजना चाहते हैं भोपाल तो उसके लिए कोई मोबाइल नंबर हो, वो निर्देश मैंने दिए हैं। और तीसरी बात है कि हम जो भी कमर्शियल प्रोग्राम बनाते हैं वो आकाशवाणी भोपाल तक हम पहुंचा सकते हैं या विज्ञापन के तौर पर। और एक सुझाव आया है कि व्यापारियों के जो कम्युनिटीज हैं उनके रेट की बात आई है, तो उस पर मैं पत्र लिखूंगा। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।